नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश भट्ट और मैं आज यहां पर आया हूं अल्मोड़ा जिले के ताकुला ब्लॉक के इसलना खाड़ी गांव में। ये गांव आज बहुत ही विशेष हो चुका है, बहुत खास हो चुका है और उस गांव को खास कर दिखाया है इन पांच बच्चों ने। इन्होंने जो कर दिखाया है शायद वो बड़े बड़े लोगों के बूते की बात नहीं। इनका हुनर आज सबको दाते तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर रहा है। दरअसल इन्होंने कहीं देखा था कि जिम कैसा होता है और जिम में क्या क्या होता है, लेकिन धनाभाव के कारण इनके पास वो सुविधा कभी होती नहीं। लेकिन ये चाहते थे कि गांव में भी एक जिम हो जहां वो अपने को फिट रख सके, अपने को निरोगी रख सके। और उसके बाद शुरू हुआ, गांव के संसाधनों से खुद बनाकर ये जिम खड़ा कर दिया। अगर आप देखेंगे इन्होंने जिम की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो बेंच प्रेस्ट हो, चाहे वो डंबल्स हो या और भी कोई जो भी संसाधन जिम में मौजूद रहते हैं, वो सब इन्होंने यहां पर तैयार कर लिए। लेकिन उन्होंने लोकल तरीके से तैयार किए। अब ये देखिए, अगर आपको बाइसेप्स बनानी है, जरा दिखाना, जरा ये अपने घरेलू सामान से इन्होंने एक जिम तैयार किया और उस जिम तैयार करने पर ये हर तरह की प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने डंबल्स भी तैयार किए हैं, आप देखिए डंबल्स किस तरह से, देखिए ये हाथ से बना के डंबल तैयार किए हैं, यहां आप देख सकते हैं। यानी एक छोटी सी जगह पे इन्होंने एक बहुत शानदार जिम तैयार किया है, आप देख सकते हैं सब तरह से। देखिए ये कनिस्टर का इस्तेमाल ये कैसे करते हैं, अभी ये दिखाएंगे। जरा वो जो बेंच प्रेस आप करते हो कैसे करते हो जरा दिखाना, आप देखिएगा कि इन्होंने किस तरह से दिमाग लगाया है। जो हमारे पास लिमिटेड संसाधन थे उसका किस तरह से इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद एक व्यक्ति उनको डंबल देगा किस तरह से, आप देखिए। ये इन्होंने कनिस्टर से बेंच बना दिया है और अब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप सोचिए इन बच्चों का दिमाग क्या कुछ नहीं कहता, इनके हुनर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इनके इसी हुनर ने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। ये सारे बच्चे बहुत छोटे छोटे अपने स्कूल जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में इनको समझ में नहीं आया कि क्या करें, और लॉकडाउन में इन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया कि आज ये सबके चहेते हो गए हैं, पूरे गांव के चहेते हो गए हैं। अब मैं जरा उनसे बात करना चाहूंगा। बेटा जरा आप इसको रखो और जरा आप आओ, कैसे आपने तैयार किया, और मुझे बताया गया कि आप इधर आ जाओ बेटा, यहां पर आओ। हाँ, आप मुझे बताओ क्या आया आपके मन में जब आपने ये सब तैयार करने का शुरू किया। मेरे को जिम का बहुत शौक था। एक दिन मैंने फोन में देखा, हाँ, कि मेरे दिमाग में आया कि मैं भी जिम बनाऊं। हाँ, तो फिर कैसे लकड़ी वकड़ी कहाँ से इकट्ठी करी? जंगल से मैंने लकड़ियाँ काटी। हाँ, और फिर मैंने बनाई। अच्छा, तो सबसे पहले क्या बनाया आपने? सबसे पहले डंबल्स बनाए आपने। ये जो डंबल्स बनाए आपने, हाँ, तो इसको कितने दिन लगे बनाने में? 5 मिनट है। 5 मिनट? 5 मिनट में बना दिया? हाँ। 5 मिनट में कैसे, मतलब ये लकड़ियां लाए और उसमें फिर आपने होल किया, उसमें फिर एक आयरन रॉड डाल दी। हाँ। जी। और तुम्हें, मुझे तो लग रहा है तुम खूब जिम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी बन रही है। हैं, कब से कर रहे हो? करते करते 4-5 महीने। अच्छा, और अच्छा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा। कितना टाइम करते हो? 2 टाइम सुबह और शाम। तो आप पांचों लोगों की दोस्ती है, हैं? तो फिर YouTube में जब आपने देखा, मित्र मुझे बताना, फिर आपने क्या क्या बनाने की सोची? मैंने पहले डंबल बनाने की सोची। हाँ। फिर मैंने लंबाई बनाने के लिए ये। अच्छा, आपको पता लगा कि इससे लंबाई बढ़ती है? हाँ। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि मेरे सिक्स पैक निकले। अच्छा, सिक्स पैक्स निकले। हाँ। तो ये आपको सिक्स पैक के बारे में किसने बताया? मैंने फोन में देखा। फोन में देखा, फिर उसके लिए क्या किया आपने? मैंने दो वो खंभे काटे। हाँ, से। हाँ। ये बांच के आपने दो। हाँ, वो काटे। हाँ। फिर मैंने, अच्छा, और फिर उसके बाद क्या बनाया आपने? मैं देख रहा था ये किस तरह से बनाया आपने, ये बड़ा अद्भुत बनाया है आपने भाई। ये मैंने फोन में देखा कि इस बांस के डंडे में। हाँ, बनाया। हाँ। अच्छा, जरा इसमें कैसे करते हो आप, दिखा सकते हो इसमें कैसे करते हो? ओके, ये बाइसेप्स के लिए होता है। हाँ, हाँ।
तो आपको ये देना है, मैं दे देता हूँ रुको। अच्छा, अब इसको आपको हाथ में ऐसे पकड़ाना है। हाँ अच्छा, ये देखिए कट्टे का इस्तेमाल किया है और उस कट्टे के बाद यहाँ लकड़ियाँ बनाई गई हैं और पूरा एक जो जिम का स्वरूप है वो इन्होंने एक एक हुनर लाके अलग तरीके से बना दिया। और ये जीरो बजट का जिम है, सिर्फ इनकी मेहनत और इनका दिमाग है। बेटा बहुत बधाई आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपकी भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जब आप, वो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में पता लग जाते हैं, आपने बचपन में ऐसा कर दिखाया तो मुझे पूरा विश्वास है आप आगे जाके इस तरह का हुनर और दिखाओगे। बेटा आप कितने समय से कर रहे हो जिम? 3-4 महीने। अच्छा, ये ट्राइसेप्स बनाने के लिए करते हो? कैसे घुमाते हैं इसे जरा दिखाना। ये अच्छा अच्छा, वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और ये आपने अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए कैसे करते हो जरा दिखाना एक बार। वाह, आप देख सकते हैं इन बच्चों के हुनर ने वाकई सबको चौंका दिया है। वाकई इन बच्चों ने कमाल कर दिया, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। फिटनेस क्या होती है? गांव में रहकर छोटी सी जगह पे, अपने घर के नीचे एक छोटी सी जगह में फिट रखने का तरीका इन बच्चों से कोई सीखे। आज हमारी भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम अमूमन व्यायाम पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन बच्चों ने गांव में रहकर अपने को फिट करने का रास्ता निकाला और गांव में जीरो बजट, मैं फिर कहूंगा गांव में ही रहकर जीरो बजट से एक पूरा जिम तैयार कर लिया। और इस बच्चे, बेटा आपका नाम क्या है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, आपका नाम क्या है? करण कुमार। करण कुमार, आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल कुमार, आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार, आपका? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार, तो रोहित मोहित आप सब लोग ने बहुत अच्छा काम किया। मैं आप लोगों के लिए वाकई में बहुत ताली बजाना चाहता हूँ। आपने वाकई जबरदस्त काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। आपने गांव में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और गांव के लोग क्या कहते हैं जब आपका जिम देखने आते हैं? कहते हैं कि आपने कैसे बनाया। अच्छा, तो तुम दूसरों को बताओगे कि मैंने कैसे बनाया करके? चलिए, बहुत धन्यवाद बेटा, मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को देख के। वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। तो देखा आपने, अपने को फिट रखने के लिए जीरो बजट में अपने गांव में रहकर ही 5 बच्चों ने यूट्यूब से देखकर एक छोटा सा जिम तैयार किया, यहाँ के संसाधनों से, यहाँ की लकड़ी इस्तेमाल करके। आप सोचिए उनका दिमाग कितना चला होगा कि जब बेंच प्रेस की बात आई तो उन्होंने इस कनिस्टर का इस्तेमाल करके 2 कनिस्टरों में बेंच प्रेस बना लिया। तो आप सोच सकते हैं इन बच्चों का दिमाग कितना चलता होगा। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि हमारे जो पहाड़ी बच्चे हैं इनकी क्रिएटिविटी की कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और इन पहाड़ी बच्चों ने आज अपनी क्रिएटिविटी से ये दिखा दिया कि अगर हुनर है तो सब कुछ है। और बेटा आपके हुनर ने आपको एक नई पहचान दी है। मैं फिर अगली बार आपके लिए इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आऊंगा जो इस तरह से लोगों को प्रेरित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।